Hi, welcome everyone. Myself Sarika teacher. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ग्रेड फर्स्ट का हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें पाठ पहला है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो आज हम देखने वाले हैं स्वर, स्वर का अर्थ, अयोग वाह का अर्थ। हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर है। स्वर, स्वर का अर्थ है ध्वनि या उच्चार। अब हम देखेंगे कि वो स्वर कौन कौन से है। वह स्वर है अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में दो अयोगवाह है। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। वे अयोगवाह है अम और अहा। अब आपको भी मेरे साथ यह स्वर और अयोगवाह बोलने हैं। अ, आ, ई, ई, उ, उ, फ्रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। अब हम इन स्वरों की एक कविता देखेंगे। अनार है बड़े काम का, आम है मीठा बड़े नाम का, इमली होती खट्टी खट्टी, तीख लगती मीठी मीठी, उल्लू को रात आई रास, ऊंट को लगी है बड़ी प्यास। ऋषि से ज्ञान पाओ, सबको एकता का पाठ पढ़ाओ, अय्या को ऐरावत दिखाओ, ओखली में हम कूटे धान, औषधि से ठीक हुआ राम, अंडा खाकर सेहत बनाओ, आहा है खाली फिर दोहराओ। तो बच्चों, अभी आपको एक काम करना है। इस कविता में आपको स्वर लाल रंग से और अयोगवाह नीले रंग से दिए गए हैं। इन्हें आपको दो दो बार पढ़ना है और साथ में जो होमवर्क है वो भी करना है। थैंक यू, टेक केयर।